अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साद है एंड वेलकम टू द मिडिल मैन शो। एंड दिस इज माय स्टोरी ऑफ फुटबॉल। मेरी ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से, जहां मैं 4 साल पहले रहता था। बहुत से दोस्त भी थे यहाँ एंड मैन दोज वर गुड डेज। 8 क्लास के दिन होते, स्कूल से आके फ्रेश होता और फिर खाना खाने के बाद खेलने के लिए निकल जाता। आई स्पेंडेड अ लॉट्स ऑफ गुड टाइम हियर। असर से मगरिब तक फुटबॉल खेलने की तो भाई जस्सी अपनी थी। कई बार घर लेट आने पर डांट भी पड़ी, बट इट वॉज वर्थ इट। फिर वन डे आई मेट दिस गाय, ये है अब्दुल रफी, द फाउंडर ऑफ रेबल्स एफसी एंड अ ग्रेट गोलकीपर। So he invited me to a match in Zialun. Before I further continue, I just want to tell you guys ke Zialun ki haisiyat mere liye waise hi hai jaise Barca ke liye Camp Nou. Home ground feels, you know. Baharal, as the match continued, I played my ass off and the boys were impressed. So they made me a part of the team. राफी ने फोन करके बोला, ओए आज ही संडे को मैच है। सो दैट्स हाउ आई बिकेम द पार्ट ऑफ रेबल्स एफसी। इस सफर में मैंने बहुत से नए दोस्त भी बनाए एंड आई हैड अ लॉट्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। Things were going pretty smooth. हर संडे मैच खेलने का मज़ा भी बहुत आ रहा था। But with the passage of time, I noticed कि मेरी गेम डाउन होती जा रही थी। Maybe football was not so special for me anymore. Until one day I bought these new studs and wore them to the match. As I was playing, जूता ट्रफ में फंसा। And I ended up in a meniscus injury. समझ आई? नहीं, मैं समझाता हूँ। तो ब्रो, सीन कुछ यूँ था कि मैं डिफेंस पे खेल रहा था और ये देख रहे हो ना स्टड, इसकी ये जो कीलें होती हैं ये फंस गई ट्रफ में। अब ड्रिबलर था, मुझे ड्रिबल करके निकल गया और जैसे ही मैं मुड़ा उसको वापस टैकल करने के लिए, सो जूता ट्रफ में फंसा हुआ था। मैं मुड़ा और मेरा पैर वहीं पे और घुटना ट्विस्ट। और ओए होए होए, जो दिन में तारे नजर आए ब्रो, क्या बताऊँ। 1 महीने तक सीधा चल नहीं सकता था और फिर मैंने 5 महीने तक फुटबॉल नहीं खेला। आई रियली मिस्ड दोज डेज मैन। सुबह सुबह उठना और फिर तैयार होकर दोस्तों के साथ निकल जाना। और सुबह सुबह सख्त सर्दी में बाइक पर खेलने जाने का भी अलग ही मजा था। I guess that's it. By the way, thanks bros for giving your time to me. और अपना feedback देना मत भूलना और comments में ये भी बताना कि vlog में कोई ऐसी चीज जो तुम्हें ना अच्छी लग रही हो और how can I improve on it, ये भी बता देना। और हाँ, अगर video बहुत ही अच्छी लग रही है तो shout out दे देना यार, I really need it. So that's it. See you in another video.